कार दोस्तों, आज एक ऐसे फेलियर का वर्णन करता हूँ जो मैंने अटेंड किया, और जैसे मैंने लिखा है विल स्कीडिंग का फेलियर था, तो आपके मन में ऐसा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, विल स्कीडिंग हो गया। लेकिन ये काफ़ी दिलचस्प घटना है, इसको आप पूरा सुनिए, बहुत मज़ा आएगा और आपको सीखने को भी मिलेगा। साथियों, और भी मैंने जो वीडियो बनाए, आप चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाइए और जो भी आपको वीडियो देखना हो देखिए, और वीडियो देखकर फिर कमेंट अवश्य कीजिए। और मैंने एक ऑडियो की खबरी ऐप है, उस पर भी चैनल बना कर रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कीजिए और अच्छे अच्छे ऑडियो सुनिए। तो आइए इस केस पे जाते हैं। तो मुझे TLC के द्वारा सूचना दी गई कि एक लोको WG5 लोको था और उसमें व्हील स्किड हो गया, गाड़ी के साथ लगा हुआ है, और वो जो है मक्करपुरा स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है। तो एक्चुअल में ये गाड़ी कैसे पहुंची मक्करपुरा, वडोदरा यार्ड है, बड़ोड़ा मतलब यार्ड में से गाड़ी लोको पायलट ने चार्ज में ली। वडोदरा स्टेशन पे 15 km/h की गति से उसको पार करना होता है, 15 km/h की गति से पार किया, और जैसा कि आप जानते हैं पहले ब्लॉक सेक्शन में ये हिदायत दी रहती है लोको पायलट को कि भाई पहले ब्लॉक सेक्शन में पीछे वाली कैब में जाकर व्हील स्कीडिंग को अनुभव करना है। अगर आपको व्हील स्कीडिंग लगता है तो तुरंत TLC को सूचित करना है ताकि गाड़ी को खड़ी करने की व्यवस्था की जा सके। तो यहाँ भी असिस्टेंट लोको पायलट पीछे आया, कैब 2 से ड्राइविंग हो रहा था, कैब 2 वर्किंग कैब थी, पीछे कैब 1 थी। तो असिस्टेंट लोको पायलट पीछे आया कैब 1 में, तो लोको में उसको हैमरिंग साउंड यानी कि व्हील स्कीड का साउंड सुनाई दिया, अनुभव हुआ। तो उसने तुरंत आके लोको पायलट को बताया, लोको पायलट ने तुरंत जो है यहीं से गाड़ी 15 km/h निकल रही थी तो यहाँ थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत उसने TLC को बता दिया, सूचना दे दी कि भाई इसमें हैवी व्हील स्कीडिंग क्योंकि बहुत ज़ोरदार हैमरिंग साउंड आ रहा था। तो TLC ने तुरंत एक्शन लिया क्योंकि वो क्या ज़्यादा फिर व्हील स्कीड होता है तो लाइन को भी तोड़ सकता है, इसके लिए एक्शन लिया और उसको विश्वामित्री स्टेशन से तो सिग्नल दे चुके थे, इसके लिए फिर उसको मक्करपुरा लूप में खड़ा किया गया। तो धीरे धीरे करके वो गाड़ी को मक्करपुरा लूप लाइन में स्टार्टर पे लाके खड़ा कर दिया, पीछे का ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो गया, मेन लाइन साफ हो गई, गाड़ियाँ आराम से जा सकती थी, इसलिए उस गाड़ी को खड़ा रखा। और फिर मुझे वहाँ सूचना मिली कि मुझे वहाँ जाना है, तो मैं अकेला ही वहाँ पे गया। एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई तो TLC ने बोला लोको पायलट को कि भाई आप व्हील स्कीड नाप कर बताओ कितना व्हील स्कीड है। तो लोको पायलट ने 12 ही 12 व्हील को नापा लेकिन उनको व्हील स्कीड दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने TLC को बोला कि व्हील स्कीड तो दिखाई नहीं देता है। तो फिर TLC बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब आपको हैमरिंग साउंड इतना ज़ोर से आ रहा है तो व्हील स्कीड क्यों नहीं मिल रहा है आपको। तो ये एक अजीब बात थी कि मतलब व्हील स्कीड तो दिखता ही नहीं है और हैमरिंग साउंड आ रहा है। तो फिर मैं गया, मेरे को बोला कि आप जाके चेक करो लोको पायलट ऐसा क्यों बोल रहा है कि व्हील स्कीड तो है ही नहीं, तो फिर हैमरिंग साउंड किसका है। तो मैं जाके चेक किया पूरा गाड़ी को, आधे घंटे तक आगे पीछे करवाया, 12 ही 12 व्हील को पूरा आगे पीछे करवा के बारीकी से देखा, लेकिन व्हील स्कीड मुझे भी नहीं मिला। लेकिन लोको पायलट बोल रहा है बहुत ज़ोरदार हैमिंग साउंड आ रहा है। तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर CNAD साहब से बात करते हैं। तो CNAD साहब को मैंने डायरेक्ट फ़ोन करके बोला कि इसमें व्हील स्कीड बिल्कुल नहीं है, 12 ही 12 व्हील को मैंने चेक किया है। तो फिर CNAD साहब भी थोड़ा गुस्सा हो गए, बोले यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बोला सर आप ऐसा कीजिए, गाड़ी चलवाइए और मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, मैं खुद अनुभव करता हूँ व्हील स्कीड है भी है या नहीं है। तो फिर गाड़ी को बोले तुम्हारी जवाबदारी रहेगी। मैंने कहा हाँ सर कोई बात नहीं, मैं गाड़ी पे रहूँगा, जब तक गाड़ी सुरक्षित नहीं पहुँचा दूंगा तब तक मैं गाड़ी पे रहूँगा, चिंता मत कीजिए आप, मैं देखता हूँ। क्योंकि व्हील स्कीड मैंने अच्छी तरह देख लिया, कहीं कोई व्हील स्कीड नहीं है, एकदम नॉर्मल है, 12 ही 12 व्हील को देख लिया मैंने, घुमा घुमा के गाड़ी को आगे पीछे करके देख लिया है। तो गाड़ी को सिग्नल दिलाया गया, जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई लूप से बाहर निकली तो फिर मैं खुद ही उस लोको में पीछे वाली कैब में गया, कैब 1 में से वो साउंड आ रहा था। तो वास्तव में बहुत ज़ोरदार साउंड आ रहा था, बाप रे व्हील स्कीड से भी खतरनाक साउंड आ, धड़ाम 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 धड़ाम, और व्हील स्कीड तो है नहीं थी। फिर वापस मैंने CNAD साहब को फ़ोन लगाया, मैंने कहा साहब इसमें कोई ना कोई दूसरा फॉल्ट है, तो मैं ऐसा करता हूँ एक एक ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करके देखता हूँ, हो सकता है कुछ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गियर वियर खुल गया हो ट्रैक्शन मोटर का और वो ऐसे लुढ़क लुढ़क कर आवाज़ कर रहा हो, इस प्रकार का कुछ। तो मैंने कहा सर मैं ट्रैक्शन मोटर को एक को आइसोलेट करके देखता हूँ। तो मैंने ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 को आइसोलेट, कैब 2 से ड्राइविंग था तो इधर ही आके ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट किया, सफलता नहीं मिली। जैसे क्योंकि TM 1, 2, 3 में ही कोई फॉल्ट होगा क्योंकि पीछे का आ रहा था, तो मैंने ट्रैक्शन मोटर नंबर 2 जब आइसोलेट की
तो सफलता मिल गई, यानी कि वो साउंड बिल्कुल आना बंद हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ गियर तो नहीं खुला, गियर खुला हो तो ट्रैक्शन मोटर नंबर टू को आइसोलेट करने पर भी वो तो गियर तो घूमता ही है तो आवाज़ तो आनी चाहिए, लेकिन आवाज़ बिल्कुल आनी बंद हो गई। तो ये एक ऐसा फेलियर था जो मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा था, यानी कि ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने से वो जो धड़ाम धड़ाम हैमरिंग साउंड आ रहा था वो बंद हो गया। तो फिर मैंने वापस साहब से बात किया, साहब इसमें TM2 आइसोलेट करने पर सफलता मिल गई और गाड़ी एकदम नॉर्मल है, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं, गाड़ी नॉर्मल जाएगी। तो फिर उस गाड़ी को नॉर्मल जाने दिया। तो फिर मैंने पूछा, साहब ने बता दिया मेरे को इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, इसके कारण ये आवाज़ आती है। तो हालांकि वो बॉम्बे साइड जा रही थी गाड़ी, तो फिर उसका इन्वेस्टिगेशन कहाँ हुआ होगा पता नहीं, लोगों को कहाँ काटा होगा वो तो फिर बाद में मालूम नहीं पड़ा, लेकिन एक TM को आइसोलेट करके फिर उसको जाने दिया। और वो इलेक्ट्रिक फॉल्ट ही था कोई ना कोई, जिसके कारण ऐसी साउंड आ रही थी। तो TM2 को आइसोलेट करने पर देखो सफलता मिल गई, जबकि व्हील स्किड जीरो था और हैमरिंग साउंड जोरदार आ रही थी। तो ये ऐसा फेलियर भी लाइन पे होता है और मेरे को तो देखने में पहली बार मिला, हो सकता है आप लोगों को किसी को ऐसा अनुभव और भी हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा कभी भी फेलियर आवे तो इलेक्ट्रिक फॉल्ट भी हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो कमेंट में अवश्य लिखें ताकि मैं इस प्रकार के और भी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। धन्यवाद।